गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट टू पेपर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पर जो है वो चर्चा करेंगे। मेरे पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं जो है मैंने आपको अपने पिछले व्याख्यान में बता दी थी। बाकी की जो विशेषता है उसे हम इस व्याख्यान में पूरा कवर कर देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें इंक्लूड किया है। इसे भारत ने इसे आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। ये जो है ये एक सकारात्मक निर्देश है सरकार के लिए, जिसका पालन करने से सामाजिक आर्थिक न्याय, समता और विकास की जो है वो बात की जा सकती है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी ये सरकार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका कि पालन करने से जो है हम जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं उसकी स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट, समाजवादी राज्य। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने जो समाजवादी राज्य इस टर्म को इंक्लूड नहीं किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो समाजवादी राज्य है ये प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित जो है वो किया गया है। इसके अंदर इसको सम्मिलित करने के पीछे जो भाव था वो ये था, एक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाए भारत में, जो गरीबी और अमीरी के गरीबी और अमीरी के बीच का जो भेद है उसे कम किया जाए और एक आर्थिक समानता और न्याय की बात जो है की जाए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि उस समय हम किसी विशेष मतलब मैं कहूँ तो आइडियोलॉजी से बंधना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इस पर डिस्कशन तो हुआ था कि ये टर्म इंक्लूड किया जाए या नहीं, बट अल्टीमेटली ये माना गया कि इस समय हम किसी विचारधारा से बंधना नहीं चाहते। जब 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको इंक्लूड किया गया तब भी ये चीज़ क्लियर थी कि हम एक विचारधारा से नहीं बंध रहे, हम तो जो एक लोकतांत्रिक समाजवाद की जो स्थापना की बात है इसमें हमने उसकी स्थापना की बात को पर ही बल दिया है। और अगर मैं कहूँ तो समाजवादी जो वर्ड है वो इटसेल्फ इतना अस्पष्ट है क्योंकि इसकी अपनी कोई एक क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पंथ निरपेक्ष राज्य। हालांकि ये जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष इसको भी प्रीएम्बल के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42nd अमेंडमेंट के बाद ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन फिर भी ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य का भाव था ये संविधान में पहले से ही सम्मिलित था। क्या मतलब है पंथ निरपेक्ष राज्य का? इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो एक सेक्युलर स्टेट। भारतीय संविधान ने सेक्युलर का जो हिंदी अनुवाद है उसे धर्म निरपेक्ष ला करके उसका अनुवाद जो है उसे पंथ निरपेक्ष किया है। पंथ निरपेक्ष मतलब कि भारत जो है वो किसी भी पंथ को नहीं मानेगी, किसी एक पंथ को जो है वो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी। बच्चों एक चीज समझो कि रिलीजन और धर्म में हमारी मतलब अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, धर्म को हम रिलीजन नहीं मानते। जबकि मतलब क्योंकि धर्म एक बहुत व्यापक धारणा है, हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म का अर्थ हमारी भारतीय सभ्यता में वो है, धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य है, मतलब धर्म में सारे नैतिक गुण और वैल्यूज, जिसे हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं वो सब इंक्लूड करती है। रिलीजन होता है जैसे हिंदू मुस्लिम या जिसको हम पंथ, इधर संविधान जो है भारतीय संविधान ने उसके लिए जो एक वर्ड लिया है वो है पंथ, मतलब हम किसी भी एक पंथ को नहीं मानते। संविधान के लिए और भारत राज्य के लिए सभी पंथ बराबर है, वो सभी पंथों को समानता की भावना से देखती है। हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव की जो बात है, जो हमारे भारतीय दर्शन है उसके अनुसार सभी पंथों को
पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है और किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी विशेष पंथ की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नागरिक की इच्छा है कि वो किसी एक विशेष पंथ को माने अथवा किसी भी पंथ को न माने। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की कि यहाँ संघीय व्यवस्था तो अपनाई गई है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था जो है वो भारतीय परिस्थितियों और जो सर्कमस्टांसेस थे उनके अनुरूप उसको ढाल के जो है हमने हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम अपनाया है। तो हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है इसीलिए जो है कुछ विचारक तो उसको कहते हैं कि ये एक ट्रू फेडरल सिस्टम न होकर अर्ध संघीय है, जिसमें एकात्मक लक्षणों के साथ संघीय लक्षण भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी है, जैसे एक हरी नागरिकता है, केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है और इसी के साथ साथ जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन जो है वो प्रावधान है। तो इसके कारण जो है कुछ जो विचारक है उनका ये मानना है कि भारतीय जो संविधान है ये एक अर्ध संघीय है, ये एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं हैं। दुर्गादास बसु तो लिखते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही एकात्मक, यह तो दोनों ही का ही एक सम्मिश्रण है और एक नवीन प्रकार का संघ है। जो अनुच्छेद एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी ये लिखता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने भी जो है एक संघीय व्यवस्था की बात नहीं करी, उन्होंने कहा है कि वह एक राज्यों का जो है वो एक संघ होगा, एक सॉरी उन्होंने जो कहा है कि वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कहने का क्या तात्पर्य, हमने हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था जो एक प्रॉपर संघीय व्यवस्था होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे यहाँ ये संघीय व्यवस्था। ये जो पूरी संघीय व्यवस्था है इस पर हम डिटेल जो डिस्कशन है, जब हम पूरा इंडिया का फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमने उसको पूरी संघीय क्यों नहीं अपनाई, उसमें हमने एकात्मक लक्षण क्यों रखे, तो वो उस पर हम जो है डिटेल डिस्कशन जब करेंगे। हम प्रमुख विशेषताओं के अगले पॉइंट पर आए तो जो भारत का संविधान है उसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। देखिए दो तरह के संविधान होते हैं, एक संविधान तो कठोर होता है जिसमें कि आसानी से संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते, तो जिसमें नहीं किए जा सकते आसानी से संविधान संशोधन उसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार का संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। जो लचीला संविधान होता है उसमें संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत ही चाहिए होता है, जबकि कठोर संविधान के अंदर संसद का विशिष्ट बहुमत जिसको दो तिहाई बहुमत अगर हम कहें तो उसकी आवश्यकता होती है। भारत का जो संविधान है वह दोनों का ही सम्मिश्रण है कि इसमें कठोर और जो लचीला है ये दोनों ही प्रकार के संविधानों का इसमें समन्वय है। जो अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील करता है, उसमें ये बताया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान तो जो है संसद के साधारण बहुमत से उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा, जबकि कुछ प्रावधानों के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होगी और अन्य प्रावधानों के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हमारे संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का इसमें समन्वय पाया जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान ने जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया है। हमारे यहाँ
न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने की जो सॉरी स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने पर बल दिया गया है। न्यायाधीशों का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कैबिनेट मंत्रियों के अनुमोदन पर, लेकिन उन्हें जो है पद से हटाया नहीं जा सकता सिवाय कि महाअभियोग प्रस्ताव के। फिर जो जज अपॉइंट हो जाएगा उसकी सैलरीज और जो उसके अन्य भत्ते हैं उनमें भी जो है कटौती नहीं की जा सकती। फिर ये जो न्यायपालिका है ये नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगी और साथ साथ ही साथ न्यायपालिका का काम होगा संघ और राज्यों के अंदर जो भी अगर तनाव होंगे तो उस स्थिति में भी उनका जो उनके बीच में मतभेद होंगे उनको दूर करने का काम भी इस न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनर्वलोकन। अब फिर दो अगर हम कहें इधर भारतीय संविधान निर्माताओं ने दो अलग कॉन्सेप्ट्स को जो है साथ में सम्मिलित किया है। इंग्लैंड के अंदर जो है संसदीय सर्वोच्चता का प्रावधान है, वहाँ संसद सर्वोच्च है, वो कोई भी कानून बना सकती है, उस कानून को जो है न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जहाँ पर यूजुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया जाता है वहाँ इस संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो भारत ने संसदीय प्रणाली तो अपनाई है इसीलिए संसदीय सर्वोच्चता की भी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने अमेरिका के तर्ज पर न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत भी अपनाया है। यानी अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो कि संविधान के विपरीत है, संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो संसदीय सर्वोच्चता के साथ ये जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमने अमेरिका से अपनाया है को इंक्लूड किया है भारतीय संविधान जो है निर्माताओं ने, और इवन जो न्यायपालिका है उसने बहुत सारे अपने जो मैं कहूँ डिसीजंस में संसद के कानूनों को अवैध भी घोषित किया है। भारत ने एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। एक तरफ तो भारत ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, तो प्राय जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक नागरिकता होती है राष्ट्र की और एक उस राज्य की जिसमें की नागरिक निवास करता है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और जिस राज्य में वो रहते हैं, लेकिन भारत ने जो है एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है उसे अपनाया है। हमारे यहाँ केवल एक ही नागरिकता है और वो किसकी है, भारत की नागरिकता। अगली हम विशेषताओं की बात करें तो है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों की सुरक्षा। भारत का जो संविधान है उसने अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। आर्टिकल 330 से 342 तक जो है उसमें जो पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक है उनके लिए जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोकसभा व विधानसभा में स्थान आरक्षण, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण, इन सब बातों को जो है उन्होंने अपनाया है। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, भारत के जो संविधान है उसमें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी इंक्लूड किए गए। आर्टिकल 352 से 360 तक जो है संविधान के वो इमरजेंसी प्रोविजन के साथ डील करते हैं। इन इमरजेंसी प्रोविजन में अगर कभी भारत पर विदेशी आक्रमण या सशस्त्र अगर मैं बात करूँ विद्रोह होने की स्थिति पर
जो है आपातकालीन आरक्षण लग सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राज्य के अंदर संविधान तंत्र विफल हो जाए तो आपातकाल उस राज्य में लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 360 के अंदर जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान रखा गया है। भारत के अंदर जो है भारत के संविधान ने एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा के जो बात है उसे अपनाया है। एक्चुअल में भारत के अंदर अगर हम देखा जाए तो विभिन्न तरह की भाषाएं, एक हम कहें कि भारत जो है एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है, यहाँ पर विभिन्न तरह की भाषाएं जो है वो पाई जाती है, लेकिन इन सबके साथ ही जो है देश में अपनी एक राष्ट्रभाषा हो जिसे कि जो है जो भारत में एक एकता को जो है उसे स्ट्रेंथन कर पाए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं के संबंध में जो है व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और सम्मान की भावना के साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है वो घोषित किया गया है। भारत का जो संविधान है वो विश्व शांति और जो भ्रातृत्व है, पीस, मतलब मैं बात करूँ वर्ल्ड पीस एंड फ्रेटर्निटी, इस लक्ष्य को लेकर वह चलता है। ये जो है वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो वो भारतीय संस्कृति का एक आदर्श रहा है, और इसी कारण जो है संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समय जो है विश्व शांति और भ्रातृत्व का ध्यान रखेगा और राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का जो है वो प्रयास करेगा। भारतीय संविधान ने व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ सांप्रदायिक मतदान यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त करके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को अपनाया है। क्या अर्थ होता है व्यस्क मताधिकार का? कि भारत में जो है 18 वर्ष की जो ऊपर के आयु के व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उन सबको जो है मताधिकार का जो है वो राइट दिया गया है। पहले ये जो व्यस्क मताधिकार था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो 21 इयर्स एंड अबव को था, लेकिन बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसे जो है 18 वर्ष जो है मतदान की जो आयु है उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखें तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमने हमारे संविधान के अंदर जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी और जस्टिस, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समाहित करने की कोशिश की है। जहाँ एक और हमने बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कराए, वही दूसरी ओर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करके राज्य के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करे हैं कि वो किस तरह से कार्य करे। तो भारत का संविधान जो है एक आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और जो व्यावहारिकता है उसमें जो है संबंध बनाने की बात की गई है, और हम हमारे जो संविधान है उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी ग्रेटनेस इस बात से भी मान सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने उनमें मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो फेल हो गए, वो समय और परिस्थिति के जो अनुसार थे उनमें, मतलब वो पूरी तरह से बदल दिए गए, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज भी सक्सेसफुली, मैं कहूँ तो वो सर्वाइव कर रहा है। तो यही हमारी जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसकी सबसे बड़ी जो है एक स्ट्रेंथ है। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।